तूफान ताऊते पिछले 5 दिन से सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि उदयपुर शहर ही नहीं पूरे उदयपुर जिले के लोग, प्रशासन और मौसम विभाग और जितने भी एक्सपर्ट थे वो सब के सब डरे हुए थे। सब ने अलर्ट कर दिया था क्योंकि उनको आशंका थी कि जब ताऊते उदयपुर में दस्तक देगा तो तबाही मचा सकता है, क्योंकि शुरू वो जहाँ से हुआ था और वहाँ से चल के जब तक वो उदयपुर में आता तो उसकी स्पीड और उसके जो तबाह करने की ताकत थी वो कम होती नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उदयपुर तक आते आते ताऊते कमज़ोर हो गया। ताऊते उदयपुर आया भी सही लेकिन तबाही नहीं, बस मौसम कुछ सुहाना सा करके चला गया। यहाँ आते आते ताऊते तूफान कुछ कमज़ोर पड़ गया। ज़्यादातर लोग तो नींद के अंदर सोए हुए थे और तूफान ताऊते रात को अपना कमाल दिखाकर चला गया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि चुपचाप आया और चुपचाप चला गया, क्योंकि कई टीन टप्पर उड़ा दिए, कई पेड़ गिरा दिए, कई दीवारें गिरा दी, तो कई जो रास्ते के अंदर जो बोर्ड वगैरह जितने भी थे उसको भी उड़ा दिया। रात को करीब 11 बजे से शुरू हुआ था और 3-4 बजे तक ये रह रह के अपना कमाल दिखाता रहा। फिलहाल यानी कि बुधवार को आज उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में मौसम सुहाना है। सुबह हल्की बारिश हुई थी, बस कुछ हल्की फुहार, लेकिन उदयपुर की जान मतलब उदयपुर की झीलें, उदयपुर की लाइफलाइन और झीलों की लाइफलाइन सिसारमा इस ताऊते की वजह से 6 फीट तक चल गई। ताऊते इतने गाजे बाजे के साथ में आया तो कुछ तो बारिश होनी ही थी। हालांकि जितना दावा किया जा रहा था, अगर इतनी बारिश हुई होती तो शायद है कि पूरी की पूरी झीलें लबालब हो चुकी होती और जो चद्दर चलती है हमारी झीलों के ऊपर जून जुलाई के बाद में वो अब चलना शुरू हो जाती। सिसारमा नांदेश्वर चैनल पर काफ़ी अच्छा पानी सुबह से, बुधवार सुबह से बह रहा था। पानी सीधा पिछोला में आ रहा है और पिछोला 8 फीट से ज़्यादा भर गई और पहली बार शायद उदयपुर में इस ताऊते की वजह से ये इतिहास लिखा जाएगा कि पहली बार झीलों में पानी की आवक हुई मई में, और मई में स्वरूप सागर के गेट खोलने पड़े और तो और फतेह सागर में पानी की भी अच्छी खासी आवक हो गई। शहरवासी कैसे इस लॉकडाउन में अपने दिल पे पत्थर बांधकर घरों के अंदर बैठे हुए हैं ये उनका मन ही जानता है, वरना उदयपुर में बारिश हो, सिसारमा में पानी आए और पिछोला और फतेह सागर में पानी की आवक शुरू हो जाए और उदयपुर शहर का बाशिंदा घर में बैठा रहे, अरे नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये लॉकडाउन न होता तो फिर चाहे कोरोना का कितना भी बड़ा कहर क्यों ना हो, कोरोना को साइड में रख के शहर के लोग झीलों की तरफ दौड़ जाते, क्योंकि शहर के लोग यानी कि उदयपुर शहर के वासियों के दिल के इतनी करीब है फतेह सागर और पिछोला और सिसारमा, ये सिर्फ एक उदयपुर वासी ही समझ सकता है। चलिए खैर, किसी को भावुक नहीं होना है और घर से नहीं निकलना है। जितनी हमारे पास में जानकारी होगी, जितने हमारे पास में फुटेज आएंगे, आपको खबरों के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यहाँ से भी देखने से वंचित रह जाएंगे। वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि कहाँ कितना पानी आया है, इसलिए घरों में ही रहें, बाहर नहीं निकलें, बस घरों में बैठे बैठे ही जानकारी लेनी है। लेकिन खैर, फिलहाल स्वरूप सागर के गेट खुले हुए हैं, पानी UIT पुलिया से बहता हुआ आयर नदी में जा रहा है और सूचना ऐसी भी है कि रात को करीब 1 बजे के बाद ज़ोरदार बारिश हुई थी, उसके बाद सब तरफ पानी की आवक यानी कि आयर नदी में भी पानी की आवक शुरू हो गई थी। अगर उधर बड़ी के तालाब की अगर बात करें तो वहाँ भी थोड़ा बहुत पानी
आया है। सिसारवा की वजह से पिछोला और फतेह सागर में अच्छा खासा पानी की आवक हो चुकी है और वो भी मई में, ये कमाल की बात है। लेकिन फिक्र नहीं करें, अभी इतना पानी नहीं आया है कि फतेह सागर के गेट खोलने पड़े, इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तूफान ताऊते की बात करें तो बीते मंगलवार की रात करीब 9 बजे इसका असर उदयपुर में दिखना शुरू हो गया था। सिरोही के रास्ते से आया और ये सिरोही के रास्ते से उदयपुर आया। रात को करीब 1-2 बजे के आसपास शहर में अपना असर दिखाता रहा। 3-4 बजे तक इसने अपना शहर में असर दिखाया। कभी तेज़ बारिश, कभी तेज़ हवाएं, तो कभी कुछ बंद हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद जताई जा रही थी। अगर ऐसा होता तो तबाही बहुत ज़्यादा होती। शायद है कि आपको आपके घर के बाहर अगर कोई गाड़ियाँ रखी हुई होती, वाहन रखे हुए होते, तो वो भी सवेरे नहीं मिलते। लेकिन खैर, इतनी तेज़ हवाएं चली नहीं, हवाएं 30 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार से चली और वो भी ज़्यादा देर नहीं। बुधवार सुबह होते होते ये अजमेर की तरफ, अजमेर वाले रास्ते की तरफ निकल गया। वैसे आपको बता दें कि अब तूफान ताऊते कमज़ोर पड़ गया है, यानी कि डिप्रेशन में चला गया है। अब जहां जाएगा सिर्फ बादलों की वजह से मौसम सुहाना करेगा, कुछ टेम्परेचर भी कम करेगा और आगे की तरफ निकल जाएगा। फिलहाल तूफान का कहर टल गया है और उदयपुर की सीमा के बाहर चला गया है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।